अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल, इट्स मी निदा। सो कैसा लगा, ये लुक पसंद आया ना? सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये ब्यूटीफुल सा शिमरी आई मेकअप लुक शेयर करूँगी, और ये बहुत ही इजी पीजी सा लुक मैंने क्रिएट किया है, और ये मैंने एक अरबिक चैनल है यूट्यूब पर, उससे इंस्पायर होकर ये लुक मैंने क्रिएट किया है। एंड आई रियली होप आप लोगों को ये लुक पसंद आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी एंड पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप मेरा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दें ताकि आपसे मेरी वीडियोज़ मिस ना हो। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको लोगों को ये लुक कैसा लग रहा है, एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा है तो। और अगर आपने वीडियो को क्लिक किया है तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी फॉर अ ब्यूटीफुल आई मेकअप लुक। उसकी हेल्प से आप बहुत ही खूबसूरत सा आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कंसीलर से। आईब्रोज मैंने ऑलरेडी फिल कर ली हैं, तो यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे वॉन्ड के साथ आता है, तो मैं कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी अपनी आईलेट पे और इनर कॉर्नर्स पे जहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस होती है, और फॉरहेड पे भी। और उसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक ब्रश की हेल्प से। ये बहुत अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश है, इसकी हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और उसके बाद मैं सेट कर दूँगी कंसीलर को ताकि ये क्रीज ना करे। आफ्टर डैट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी आर्टे मूज आई शेडो पैलेट, और इसमें से मैं ये शेड पिक करूँगी, और ये एक पीची सा शिमरी शेड है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है, और इसे मैं ऑल ओवर आईलेट पे प्लेस कर लूँगी। आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन फिंगर की हेल्प से मूव आई शेडोज अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं। और उसके बाद मैं यूज़ करी हूँ ये जस्ट गोल्ड का शिमर, ये ब्यूटीफुल सा वाइट और इसमें बहुत ब्यूटीफुल से रिफ्लेक्शंस है, इसे मैं सिंपली इसके ऊपर पैट कर लूँगी। उसके बाद मैंने लिया है एक ब्राउन शेड, आप किसी भी लाइट ब्राउन ट्रांजिशन शेड को यूज़ कर सकते हैं, और मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से जो भी शिमर गिरी है उसे अच्छे से डस्ट आउट करूँगी, और आउटर वी पर थोड़ा सा स्मच करते हुए मैं ट्रांजिशन पे एक लाइट ब्राउन सा शेड अप्लाई कर लूँगी, और सेम शेड को मैं लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर लूँगी।
उसके बाद आपको किसी भी पैलेट से लेना है ब्राउन डार्क ब्लैक कलर का शेड, और उसे मैं इनर कॉर्नर्स पे लोअर लैश लाइन पर स्मच कर रही हूँ, और साथ ही साथ आउटर वी पे भी हल्का हल्का स्मच करूँगी। आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हो जिसमें एक लाइट ब्राउन सा शेड हो और एक ब्लैक शेड हो। और उसके बाद मैं सेम ब्राउन शेड को ब्लैक शेड के ठीक नीचे अप्लाई कर रही हूँ, और फिंगर के एजेस भी ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी एक थोड़ा सा बिल्कुल थिन सा आईलाइनर आईज़ को फ्रेम देने के लिए, ताकि जब मैं लैशेस अप्लाई करूँ तो आईज़ अच्छी दिखें। लाइनर को अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, और यहाँ पे मैंने मस्कारा यूज़ किया है ब्लू हेवन का। मस्कारे से अच्छे से मैं अपनी अपर एंड लोअर लैशेस को कोट कर लूँगी, और जो बचा हुआ मस्कारा उसे आईब्रोज़ को भी अच्छा सा वो कर लूँगी, सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकन पेंसिल ले रही हूँ, ये न्यूड शेड में है, और इसे अप्लाई कर लूँगी, और अगेन डार्क ब्राउन शेड थोड़ा सा और इंटेंसीफाई करूँगी क्रीज में और लोअर लैश लाइन पर। सो हेयर इज़ माई फाइनल फिनिश लुक, एंड आई रियली होप आप लोगों को ये लुक पसंद आ रहा होगा। अरेबिक इंस्पायर मैंने बहुत ब्यूटीफुल सा शिमरी आइज़ किया है, आप इसे अपनी किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और अगर आप इस लुक को रिक्रिएट करोगे तो डेफिनेटली मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर अपने पिक्चर्स ज़रूर सेंड कीजिएगा, और अपनी स्टोरीज में मुझे टैग कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है nidharaja621, एंड आई रियली होप आप लोगों को ये लुक पसंद आ रहा होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे एंड हेल्पफुल हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी आपको वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, बी हैप्पी।